गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये तो ना ट्रैवल व्लॉग। सुबह सुबह उठ के मैं तैयार होके मनीष के घर आ गया। हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, किधर जाएंगे हम बाद में बताएंगे। और हाँ, इस बार हम दोनों ही नहीं, ग्रुप भी आने वाली है, हमारे पुराने दोस्त लोग। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। टाइम है अभी 6:20, पता नहीं कब निकलने वाले हैं, मगर जैसे निकलेंगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। कुछ बोलना है आपको? अभी तो कुछ नहीं यार। और बस भाई, कुछ बोलना है आपको? सो फार सो गुड। अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। पिक्चर अभी बाकी है, है? We are in the middle of nowhere. नहीं, actually we are on our way. अभी हम थोड़ी दूर आए हैं, टाइम हो चुका है, 9 बज रहे हैं सुबह के, और हम ज़्यादा दूर नहीं आ पाए क्योंकि कुछ वजहों से थोड़ा लेट हो गया। नाश्ता कर लिए हम लोग, मेजर काम हो गया, नाश्ता कर लिया। नाश्ता कर लिए, वो इम्पोर्टेंट था। फिर से इडली, चटनी और सांभर, और किसी किसी ने डोसा भी खाया है, वो लोग ऑड वन आउट है। और ये पीछे है पेट्रोल पंप, तो कुछ लोग अभी अपनी टंकी फुल करवा रहे हैं, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी धूप आने लगी है, बट स्टिल इट्स अ मैनेजेबल डे, गुड डे फॉर राइडिंग। या गॉन और ज़्यादा आगे तो नहीं होते। सो राइडर्स, कैसा लगा राइड अभी तक? मस्त है यार, रोड बहुत अच्छा है, है ना, और मौसम भी अच्छा है। सो TGC टाइम चेक, और टाइम हो चुका है 10:20। इस जगह का नाम एक्चुअली मालूम नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, गूगल मैप से हमारे पास आगे जाने के लिए। हम एक्चुअली जा रहे हैं श्री राम सागर डैम, या रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, और ये गोदावरी नदी पे बना हुआ है, और यहाँ पे हमारी बाइक्स लगी हुई हैं। निज़ामाबाद इज 38 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो वी वुड बी हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, एंड शायद रास्ते में या फिर निज़ामाबाद के बाद श्री राम सागर रिजर्वायर लोकेटेड है। Hey guys, so we have stopped for air check. बहुत ही अच्छा लॉन्ग राइड के बाद वी स्टॉप। We drove about 50 to 60 kilometers. Road is awesome. एकदम मक्खन जैसा है, मजा आ गया। I guess we still have another 1.5 hours to reach our destination. बोल बोल। मैं शर्मा रहा हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं शर्माता हूँ? इसको ऐसा लगता है कि मैं शर्माता हूँ? शर्मा रहा है गोगट के नीचे। सो दिस इज़ टाइम फॉर स्मॉल टी ब्रेक। जिसको हल्का होना है वो हल्का हो रहा है, जिसको रेस्ट लेना है वो रेस्ट ले रहा है, और हम एक छोटे से ढाबे पे रुके हैं। इस ढाबे का नाम है बाबा का ढाबा। मैं मजाक कर रहा हूँ, इस ढाबे का नाम है शेरे पंजाब ढाबा। चढ़ रहे हैं, यू कैन सी द रोड,
द डैम। ये सिमिलर टू कोंडा पोचमा जैसे लग रहा है विद सम एडिशनल ग्रीनरी बस। तो लेट्स सी उस तरफ कैसा है। ओह बाप रे, जस्ट चेक आउट द व्यू गाइस। ओह व्हाट, ओह भाई साहब, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो 3-3.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे हैं अपने डेस्टिनेशन श्री राम सागर डैम। ये बहुत ही अच्छी जगह है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था शायद उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और थोड़ी दूर पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे गेट्स नजर आएंगे, और ये गेट्स मेरे ख्याल से काउंटिंग में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम डैम से भी बहुत ज्यादा है। और हैदराबाद से यहाँ तक का रूट बहुत ही अच्छा है, रोड्स बहुत ही औसम है, और काफी सारे नेचुरल चीजें हैं जैसे कि छोटे मोटे हिल्स, लेक्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए मैं आपको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये है अतर। हेलो गाइस, जैसा मनीष ने भी कहा, मेरा नाम अतर है। हम लोग एक दूसरे को कुछ साल से जानते हैं, कई राइड्स पर भी गए हैं साथ में काम भी कर चुके हैं प्रीवियस कंपनी में, अभी साथ में जो है करंट कंपनी में भी काम कर रहे हैं। तो आज मौका मिला है गजब कंपनी में भी आने का साथ में। थैंक यू अतर भाई। तो बस इतना सा ही, मैं एक राइडर हूँ, कई बार अकेला निकल जाता हूँ राइड्स पे, बहुत लॉन्ग राइड्स कर चुका हूँ ऑलरेडी। और साथ में जो है अगर कुछ लोग हों जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और इनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी मस्त मस्त फोटोज मिलेंगी वहाँ पे, जहाँ जहाँ ये जाते हैं अपनी फोटोज डालते हैं। ये है अब्बास। अब्बास भाई, एज मनीष मेंशन दैट यू नो वी वर्क टुगेदर, सो इट्स बीन वी हैव सम रियल स्पेंड सम रियली गुड टाइम वर्किंग टुगेदर एंड it's been amazing. It's just that he just moved out of the company, that's fine, but still we are connected and we stay connected with each other to keep that, you know, that good time which we spent. So today we came out to the Sri Ram Sagar and it was an amazing journey and a good experience for a long ride, about 200 kilometers. That was good. And yes, it's good to see the old friends back. True. So after just like, subscribe The Gazab Company. ओ भाई साहब, कितना मस्त है, बहुत ही जबरदस्त प्लेस है। कोंडा पोचम्मा से 100 गुना ज्यादा मस्त है और बहुत ही बड़ा है, काफी बड़ा है। देखिए ये नजारा, देखिए कोंडा पोचम्मा में कम से कम आपको एंड तो नज़र आ रहा था, एक गोल सा था, मगर यहाँ पे एंड दिखी नहीं रहा। इट लुक्स लाइक अ बीच और अ सी, समुंदर जैसा दिख रहा है ये, एंड दिखी नहीं रहा। और पानी की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, ये तो पैसा वसूल जगह है भाई। और एकदम लोगों भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, मगर अच्छा लग रहा है। सी दिस, सी दिस व्यू। जब हम वो रोड चढ़ के आ रहे थे, हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरफ कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा देखने को, रियली ऑसम। तो गाइस हम लोग अंदर भी आ चुके हैं, देयर इज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑन द डैम जहाँ पे बाइक्स भी अलाउड है, सो आगे। सो आई एम थिंकिंग आई विल गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट दिस डैम। इट्स कॉल्ड द श्रीराम सागर रिजर्वायर, ऑल्सो नोन एज द पोचमपट प्रोजेक्ट। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ तेलंगाना एंड द फाउंडेशन वॉज लेड इन 1963 बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। दिस डैम इज ऑल्सो बिलीव टू बी नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ तेलंगाना। We have met a very beautiful set of people. They are from the Nanded, Maharashtra. So बहुत अच्छा लगा, सब लोग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, उनके भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मेरा चैनल है इजी लर्निंग बाई SP। अच्छा, जिसपे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज जो है उसके बारे में बहुत से क्लिप्स अवेलेबल है, जो कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में ही बनाया है, और वो स्टूडेंट के लिए जो होम लर्निंग के लिए यूज़ बोल रहा है। इसमें और एक खासियत यह है कि एक नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स हैं और सब लोग एजुकेशनल रिलेटेड चैनल्स रखे हैं। सब्सक्राइब टू गजब कंपनी।
तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग नीचे देख रहे हो ये है धान। इसको प्रोसेस करके चावल निकलता है जो आपके और मेरे घर में आता है और जिसे हम खाते हैं। तो इस पूरे लाइन में आज जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो इस तरह के कई सारे पैचेस हमें देखने को मिले, जो फार्मर्स हैं वो अपने जो खेती का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ला के रखे हैं और इसको धूप दिखा रहे हैं, इसको सेक रहे हैं यहाँ पे धूप से। तो नज़दीक से दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है और ये बहुत थोड़ा गरम गरम सा लग रहा है, काफ़ी देर से शायद इसे धूप में रखा गया है।